Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आज गिरेगा पहाड़ गुनू जी और धना जी पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जितना मर्जी नली में रखो मगर वो सीधी नहीं होती है। ये कहावत है, ये मुहावरा है, जिसका मतलब यही है कि जिसने नहीं सुधरना है वो नहीं सुधरता है। और यही हाल है पिल्ले जी पाटिल का। उन्होंने भी सुधरना नहीं था, जो हमने देखा जब लास्ट सीन उनका हुआ था, जहां से धना जी और गुनू जी उनको लेके चले जाते हैं, समझाते हैं कि मालवा में स्त्री का अपमान बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए तुम सुधर जाओ। मगर वो जो लास्ट लुक थी उनकी, उसमें सिर्फ सिर्फ यही दिख रहा था कि वो सुधरने वाली चीज नहीं है। और इसीलिए इसका परिणाम जो है धना जी और गुनू जी को भी भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जैसे हमने देखा था कि किस तरह जो मंजुला को बचा लेती है शैलजा, अंदर गोदाम में छुप जाती है, मगर उस टाइम पे वो केस रफा दफा हो जाता है क्योंकि धना जी और गुनू जी आके उनको ले जाते हैं वहां से। अब सारी बात शैलजा को पता है कैसे मंजुला फंसी हुई है, और वो मंजुला को समझाती भी है, मगर वो नहीं अपना कॉन्फिडेंस जो है बना पाती है अहल्या पे, क्योंकि वो खुद एक औरत है। अब ये बात जब रेनू को पता चलती है तो रेनू इस बात को अहल्या के सामने लेके जाना चाहती है। जब वहां पे पहुंचती है अहल्या बिजी है और वो उनको बाद में आने के लिए या बाद में मिलने के लिए इशारा कर देती है। उसके बाद अहल्या बिजी हो जाती है, मगर मंजुला की मुसीबत खत्म नहीं हुई है। जैसे ही धना जी और गुनू जी वहां से चले जाते होंगे, जो हमने नहीं देखा, तो वो वापस मंजुला को ढूंढने आ जाते हैं पाटिल साहब, जिनके बारे में मैंने बताया कि कुत्ते की दुम है सीधी नहीं होती है। तो वो सीधा सीधा उस पर हमला करते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं, जैसे मुंह बांधा हुआ है उसका, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। और तब तक उधर रेनू और शैलजा अहल्या से मिल जाती है और मिलके उसको सारी व्यथा सुनाती है। और यहाँ पे अहल्या फैसला लेती है कि अब वो खुद जाके इनको सजा देगी, अब खुद जाके इनको पकड़ेगी रंगे हाथों, क्योंकि अब ये जो है उनकी लास्ट वार्निंग थी, जो उन्होंने दरबार में कहा था कि अब अगली बार उनको सजा मिलेगी, वार्निंग नहीं मिलेगी, जो धना जी और गुनू जी को कहा था कि आपके पास समय है, आप उनको समझा दीजिए। उन्होंने भी गारंटी ली थी कि हम समझाते हैं और समझा भी दिया था काफी हद तक, मगर अगर उनका वाकई में समझाने की मंशा होती तो कुछ इस तरीके से समझाते कि अगली बार वो ये गलती नहीं करते। मगर उन्होंने गलती की, अब अहल्या उनको सजा देगी और वो सजा का सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा धना जी और गुनू जी पे, क्योंकि गुनू जी के वो है मामा और धना जी के हैं साले। तो अब ये जो होगा, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि कैसे अहल्या सजा देगी, तो इस सजा के बाद जो होगा उसका अंजाम भी बहुत अलग होगा दोस्तों, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अहल्या इन दोनों को भी कसूरवार समझेगी और इनको सख्ती से समझाएगी जरूर कि अगर आपने समय पे उनको अच्छे से समझाया होता तो आज इनके हाथ काटने की या जो भी सजा मुकर्रर होगी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कि ये जो पहाड़ गिरने वाला है इसके बाद भी ये लोग सुधरेंगे या फिर और ज्यादा खुंदक और ज्यादा अपने मन में बदला लेके बैठेंगे? मुझे तो लगता है कि और बदला बढ़ेगा इनके मन में और सुधरने वाली ये चीज लगती नहीं है। आप भी अपने कमेंट कीजिए और बताइए क्या है आपकी राय। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।